हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में वोटर लिस्ट की समीक्षा भी की गई है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी भी दी है, जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है वो 30 जुलाई तक फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। 20 और 21 जुलाई को और 27 और 28 जुलाई को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को वोट बनवाने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। चुनाव आयोग के सामने जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग भी उठाई। विपक्ष की बैलेट पेपर की मांग को बीजेपी ने निराधार बताया।